कोतवाली पुलिस की कार्रवाई में बाल अपचारी सहित शातिर पांच चोर धराए, 3 लाख रुपए से अधिक का सामान जब्त। शौक पूरा करने के लिए किया करते थे चोरी। सिंगरौली पुलिस अधीक्षक तुषार विद्यार्थी के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रदीप शेंडे के मार्गदर्शन में कोतवाली प्रभारी अरुण कुमार पांडे को मिली बड़ी सफलता। बाल अपचारी सहित 5 शातिर चोर कई महीनों से थाना कोतवाली क्षेत्र में घटित हुई करीब आधा दर्जन चोरियों का खुलासा करने में कोतवाली पुलिस को सफलता प्राप्त हुई है, जिससे अपचारी बालक सहित कुल 5 आरोपियों को पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार किया गया। आरोपी के पास से करीब 3 लाख रुपए से अधिक का मशरूका बरामद किया गया। इस संबंध में उल्लेखनीय है कि उक्त चोरियों को करने के उपरांत माल खरीदने वाले ज्वेलरी शॉप संचालक अनिल कुमार सोनी पिता स्वर्गीय रामकरण सोनी उम्र 30 वर्ष निवासी रामलीला मैदान के पीछे बेढन को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक सिंगरौली द्वारा खुलासा करते हुए बताया, दिनांक 5/6/19 को फरियादी राम प्रताप शाह पिता राम अनुज शाह निवासी गहिलरा चौक खुटार थाना बेढन में घर में अज्ञात व्यक्तियों द्वारा रात्रि में घर का ताला तोड़कर सोने व चांदी के जेवरात चोरी कर लिए गए थे। दिनांक 13/1/2020 को फरियादी संतोष कुमार शाह पिता श्रीकांत शाह निवासी केशव नगर कॉलोनी गनियारी के सूने मकान में रात्रि में अज्ञात बदमाशों ने ताला तोड़कर सोने चांदी के जेवरात सहित पंखा एवं अन्य घरेलू सामान चोरी कर लिया था। दिनांक 17/1/2020 से 23/1/2020 के मध्य फरियादी जगरूप पिता पूरनलाल निवासी गनियारी बेढन के सूने मकान में रात्रि में मकान का ताला तोड़कर घुसकर अज्ञात व्यक्तियों द्वारा सोने चांदी के जेवरात एवं घरेलू सामान चोरी कर लिया गया था। इसी प्रकार 2/3/2020 से 7/3/2020 के मध्य फरियादी राजेंद्र प्रसाद सोनी पिता भगवान दास सोनी निवासी गनियारी के सूने मकान में व उनके 2 किरायेदारों रंजीत सामल एवं मनोरंजन जैना के मकान में अज्ञात व्यक्तियों द्वारा रात्रि में ताला तोड़कर 2 नग LG कंपनी की टीवी सहित 1 नग डेल कंपनी का लैपटॉप बैग के साथ आदि सामग्री चोरी कर ली गई थी। इसी प्रकार दिनांक 27/3/2020 से 29/3/2020 के मध्य सुषमा विश्वकर्मा पिता KN विश्वकर्मा निवासी हिरवाहा रोड के मकान में रात्रि में अज्ञात चोरों ने 1 HP कंपनी का लैपटॉप, 1 बजाज कंपनी का मिक्सर, 1 इलेक्ट्रिक प्रेस आदि चोरी कर लिया था। चोरी की घटना को लेकर कोतवाली प्रभारी द्वारा घटित घटनाओं के दौरान विशेष पुलिस टीम को भी लगाई गई थी। तभी मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि गनियारी निवासी आदतन अपराधी शिव कुमार शाह निवासी गनियारी का अपने साथियों के साथ चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहा है, जिसकी सूचना पर कोतवाली पुलिस द्वारा आरोपी शिव कुमार पिता उमर शंकर उम्र 19 वर्ष निवासी गनियारी, आशीष कुमार पिता रामजनम उम्र 24 वर्ष निवासी गनियारी, सुनील पिता रामजनम उम्र 22 वर्ष निवासी गनियारी एवं बाल अपचारी परिवर्तित नाम प्रदीप पिता राम गोपाल उम्र 16 वर्ष निवासी गनियारी को 31/3/2020 को पुलिस अभिरक्षा में लिया जाकर पूछताछ की गई। तो आरोपी बाल अपचारी द्वारा उक्त 7 चोरियों की घटना को अंजाम देने का बताया तथा चोरी किया माल खपाने में रामचरण ज्वेलरी संचालक अनिल पिता स्वर्गीय रामचरण उम्र 30 वर्ष निवासी रामलीला मैदान के पीछे बेढन द्वारा सहयोग करना एवं माल प्राप्त करना बताया गया, जिस पर ज्वेलरी शॉप संचालक को भी पुलिस अभिरक्षा में लिया गया। आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड विधान के तहत 668/19 धारा 457 380 भारतीय दंड विधान अपराध क्रमांक 52/20 279/20 283/20 और 284/20 धारा 457 380 भारतीय दंड विधान कायम कर अपराधियों के खिलाफ मामला पंजीबद्ध किया गया। उपरोक्त कार्रवाई में नगर पुलिस अधीक्षक विंध्यनगर देवेश कुमार पाठक, कोतवाली निरीक्षक अरुण कुमार पांडे, उप निरीक्षक मुकेश झारिया, सह उप निरीक्षक AL अहिरवार, BP कोल, बालेंद्र शेखर मिश्रा, GP कुशवाहा, प्रधान आरक्षक अरविंद द्विवेदी, दीप नारायण, DN सिंह, वीरेंद्र त्रिपाठी, पिंटू राय, आरक्षक पंकज सिंह, जितेंद्र सिंह, श्याम सुंदर, धर्मेंद्र, रामनाथ, महेश पटेल समेत दिलीप शिवहरे की सराहनीय भूमिका रही। सिंगरौली से ब्यूरो रिपोर्ट, अनिल कुमार दुबे।